ओ फाइनली मोदी जी ने पप्पू के लिए भीम एप्लीकेशन लॉन्च की है। ओ दैट वाज अ जॉकिंग पार्ट। बाय द वे यहाँ पे मोदी जी ने दो दिन पहले एक इजी यूपीआई बेस्ड पेमेंट वाली एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसे आप आसानी से कैशलेस ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। वैसे तो मैं एक जागरूक नागरिक की तरह अपनी जिम्मेदारी समझ के कैशलेस ट्रांजेक्शन को हमेशा प्रमोट करता हूँ। यहाँ पे हमने हमारी चैनल पे और भी वीडियोज किए हैं जैसे कि यूएसएसडी बेस्ड पेमेंट, मोबाइल वॉलेट्स आपको कैसे यूज करना है। तो अब तक कैशलेस ट्रांजेक्शन में क्या होता था कि आप मोबाइल वॉलेट्स यूज करते थे जिसमें हमेशा एक थर्ड पार्टी कंपनी रहती थी और एक ट्रांजेक्शन के ऊपर वो अपना भी कमीशन लेती थी, यानी कि ऐसे ट्रांजेक्शन फ्री नहीं होते थे। वहां से मोबाइल वॉलेट से पैसे आपको बैंक ट्रांसफर करने में हमेशा चार्जेस देने पड़ते थे। तो जो ये यूपीआई बेस्ड पेमेंट मेथड आई है, वैसे तो काफी सारी एप्लीकेशंस है, प्लस *99 हैश से भी आप ये चीज यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पूरा वीडियो किया है, मगर हमेशा से एक इजी एप्लीकेशन इस चीज को यूज करने के लिए मिले वो हमेशा चाहता था, और फाइनली भीम एप्लीकेशन उसी का पार्ट है। तो भीम एप्लीकेशन एक काफी इजी टू यूज एप्लीकेशन है। अगर ज्यादा स्मार्टफोन की या फिर टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं होगी फिर भी आसानी से कोई भी व्यक्ति पेमेंट कर पाए वैसे उसे डिजाइन किया गया है। तो भीम एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां पे क्लिक करके आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सिर्फ 2 MB की एप्लीकेशन है, उसे साइज में भी काफी छोटा रखा गया है। और यहाँ पे 2 मेन लैंग्वेज अभी दी गई है, एक इंग्लिश है और दूसरी हिंदी है, और भी रीजनल लैंग्वेज इसमें इंक्लूड होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, हमने यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट की है, यहाँ पे आपका स्वागत है। फिर अगला, और यहाँ पे सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको दिखाई दे रही है। फिर अगला, और यहाँ पे सारी सेटअप प्रोसेस आपको दी गई है। तो आए शुरू करते हैं। अलाउ, ऐसे ही सारी परमिशन मांगे तो वो आप अलाउ कर दीजिए। और यहाँ पे 3 SIM कार्ड है, तो यहाँ पे जो भी सिम कार्ड आपका बैंक के साथ ऑलरेडी रजिस्टर है वो आपको सिलेक्ट करवाना है, तो वो सिम सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद अगला, और आपके सिम कार्ड में से एक SMS जाएगा, वो SMS का चार्ज भी लग सकता है और ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल नंबर इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक पासकोड दर्ज करवाने का ऑप्शन आएगा, और ये आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, यानी कि आपका एक पर्सनल पासकोड या एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए, तो वो आप सेट कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने सारे बैंक्स के ऑप्शंस आ जाएंगे, और यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि कॉर्पोरेशन बैंक और वो सारी बैंक्स काफ़ी सारी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, मगर मोस्ट ऑफली जो मेन बैंक्स है वो यहाँ पे दी गई है। और अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट techhindi.org की इस पर पर्टिकुलर पोस्ट है, तो वहाँ पे आप ज्यादा माहिती चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई एक बैंक सिलेक्ट करवानी है, मगर वैसा भी पॉसिबल है कि आपने जो नंबर सिलेक्ट करवाया है वो 2 बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड होगा, यानी कि आपका अकाउंट 2 बैंक में भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही अकाउंट सिलेक्ट करवाना है, फिर आप चाहते हैं कि आपको दूसरी बैंक के साथ ट्रांजेक्शन करने हैं तो फिर आप वो चेंज भी कर सकते हैं। मगर यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपने जो भी सिम कार्ड वहाँ पे डाला या फिर जो नंबर चूज किया है वो पर्टिकुलर बैंक में कनेक्टेड यानी कि प्री रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बैंक सिलेक्ट करवाता हूँ, अगर उसमें अकाउंट प्री रजिस्टर नहीं होगा तो यहाँ पे एरर भी आपको दे सकता है, जैसे कि खाता मौजूद नहीं है। अगर आपका खाता वहाँ पे होगा, अकाउंट होगा, तो वो ले लेगा और डायरेक्टली आपका नाम और सारी डिटेल्स बता देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खाता ऑलरेडी मौजूद है फिर भी एरर दिखा रहा है। तो वैसे 2 दिन में मैंने काफ़ी एरर्स वहाँ पे नोटिस की है, जैसे कि ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं, स्कैन करने के बाद भी इनवैलिड पेमेंट या फिर डिक्लाइन पेमेंट भी हो जाता है। तो आई होप कि वो जल्द से जल्द फिक्स हो और ये एप्लीकेशन अच्छी तरीके से काम करना स्टार्ट हो जाए। और अगर आपका बैंक अकाउंट प्रोसेस खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपको अकाउंट डिटेल्स वेरीफाई करनी होगी, और उसके लिए आपको एक UPI पिन जनरेट करवाना होगा। तो जैसे ही आप ट्रांजेक्शन के टैब में जाएंगे आपका जो बैंक अकाउंट है वो दिखाएगा, फिर आपको UPI पिन जनरेट करने का ऑप्शन आएगा। उसके लिए आपको आपका ATM कार्ड साथ में रखना है, उसके लास्ट 6 डिजिट उसके अंदर इंसर्ट करवाने हैं, फिर उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो इंसर्ट करवानी है। उसके बाद आपके फोन पे एक OTP आ जाएगा, वो यहाँ पे इंसर्ट करवा दीजिए। तो जैसे ही आप OTP इंसर्ट करेंगे आपको एक UPI पिन जनरेट करवाना है, वो 2 बार आप करेक्टली इंसर्ट करवा दीजिए और आपका सारा प्रोसेस खत्म हो चुका है। अब आप भीम एप्लीकेशन को पेमेंट सेंड करने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए यूज कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे आप कैसे आसानी से पेमेंट सेंड और रिसीव कर सकते हैं। और जैसे ही आप प्रोफाइल टैब में जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एक पेमेंट एड्रेस वहां पे जनरेट हो चुका है। बाय डिफॉल्ट वो आपका मोबाइल नंबर @UPI होता है, मगर आप चाहते हैं कि आपको दूसरा एड्रेस भी जनरेट करवाना है तो यहाँ पे ऑप्शन है, आप खुद का पर्सनल UPI एड्रेस भी जनरेट करवा सकते हैं और
प्राइमरी कौन सा एड्रेस आपको यूज करना है वो भी यहाँ से प्राइमरी करके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको किसी को पैसे सेंड करने हो तो सेंड ऑप्शन में जाइए, तो वहां पे आप उनका मोबाइल नंबर या फिर पेमेंट एड्रेस, जो मैंने आगे बताया कि जो एक UPI एड्रेस होता है वो यूनिक एड्रेस भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर इंसर्ट करवाते हैं और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जैसे ही आप उनका नंबर डालेंगे रिसीवर का नाम भी आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आप अमाउंट लिख दीजिए, और उसके बाद कोई नोट्स भी लिखना हो तो वो आप लिख सकते हैं या फिर सेव फॉर फ्यूचर भी कर सकते हैं, और फिर पे पर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद आपसे आपका UPI पिन जो आपने जनरेट करवाया था वो इंसर्ट करवाना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। वैसे आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि पेमेंट प्रोसेस काफ़ी स्लो है, तो आपको 2-3 बार ट्राई करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और रिसीवर को 10 रुपये भी मिल चुके हैं। तो इतना ही आसान है भीम एप्लीकेशन से ट्रांजेक्शन करना। और अगर आपकी शॉप है या फिर आप कोई वॉलेट एप्लीकेशन यूज कर रहे थे तो एक अच्छा ऑप्शन है, आप भीम एप्लीकेशन को एज अ पेमेंट मेथड यूज कीजिए, क्योंकि ये फ्री है, कोई चार्जेस नहीं होने वाले और ये डायरेक्टली बैंक के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट का ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, जो भी पेमेंट आपको रिसीव करना है यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर पे आप क्लिक कीजिए, वहां पे अमाउंट लिखिए, जैसे कि 100 रुपीज आपको रिसीव करने हैं, उसके बाद जनरेट QR कोड, और जो आपके ग्राहक है उनसे ये कोड स्कैन करके आप उतने पैसे रिसीव कर सकते हैं। तो इतना आसान है पेमेंट रिसीव करना। और स्कैन करने के लिए आपको लास्ट ऑप्शन चूज करना है, स्कैन एंड पे। तो आप अपने ग्राहक मित्र से ये ऑप्शन चूज करके पेमेंट ले सकते हैं। और अगर आप अपना बैंक अकाउंट, जैसे कि आगे मैंने बताया कि 2 बैंक अकाउंट आपके हो सकते हैं अलग अलग बैंक में, तो वो कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट ऑप्शन में चले जाइए, वहाँ पे जो 3 डॉट्स है राइट साइड कॉर्नर पे, वहाँ से चेंज अकाउंट का ऑप्शन है, उन्हें क्लिक करके आप कोई दूसरा बैंक भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आप अपना UPI पिन, अगर ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी ने देख लिया फिर आपको लगता है कि वो आपको चेंज करना है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि उसे चेंज करते रहिए टाइम बेस्ड, तो उसे चेंज करने के लिए यहाँ पे बैंक अकाउंट सेक्शन में चले जाइए, यहाँ पे आपको चेंज UPI पिन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद इस एप्लीकेशन का और भी एक यूनिक यूज है आपका बैंक का बैलेंस चेक करने के लिए। अब तक आप क्या करते थे, कुछ लोग तो ऐसा भी करते थे कि ATM में जाके लाइन में लगकर सिर्फ और सिर्फ उनका बैंक बैलेंस चेक करते थे। कुछ लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, वो उनका ID पासवर्ड वो सब PC से लॉगिन करके सारी डिटेल्स चेक करते थे, मगर यहाँ पे रिक्वेस्ट बैलेंस का ऑप्शन है और सिर्फ 1 क्लिक में आपको वहाँ पे आपका अकाउंट बैलेंस दिख जाएगा। अब बात करते हैं कुछ लिमिटेशंस की, इससे आप कितना पेमेंट ले सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1 रुपये जितनी छोटी रकम से लेके 10,000 रुपये का सिंगल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और हर रोज आप मैक्सिमम 20,000 तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब इसके बारे में आपको दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए होंगे, तो वो मैं आपको आंसर करना चाहूँगा, जैसे कि ये एप्लीकेशन कितनी सिक्योर है। तो जैसे कि आपने नोटिस किया कि जब भी आप एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं वहाँ पे आपके पास एक पासवर्ड मांगा जाता है, उसके बाद एक UPI बेस्ड पासवर्ड तो है ही, यानी कि 2-way सिक्योरिटी है वहाँ पे, और उस पासवर्ड को आप टाइम बाय टाइम चेंज भी कर सकते हैं, तो वो काफ़ी सिक्योर है एप्लीकेशन। और मैं चाहूँगा कि आप ये जो पासवर्ड है या फिर जो UPI पासवर्ड है वो सारी चीज़ें कभी शेयर मत कीजिए, यानी कि ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि एक मोबाइल नंबर बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, तो आपको कोई कॉल भी आ सकता है कि पर्टिकुलर OTP बताए, तो मैं चाहूँगा कि ऐसी इन्फॉर्मेशन कभी भी आप किसी के भी साथ शेयर ना करें। अब बात करते हैं कि अगर आपकी शॉप है और आप इस टाइप का पेमेंट ऑप्शन स्विच करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये चीज़ काफ़ी लिमिटेड है, जैसे कि मैंने बताया कि इसकी लिमिट सिर्फ 20,000 की डेली है, तो ये एक प्राइमरी ऑप्शन आपके लिए नहीं हो सकता। होप कि गवर्नमेंट मर्चेंट के लिए एक पर्टिकुलर वे से वेरिफिकेशन की तरह ये लिमिट बढ़ा सके और एक पेमेंट अच्छा इजी टू यूज पेमेंट मेथड ये बन सके। और यहाँ पे आपको 2 मेन ऑप्शंस मिल जाते हैं जो काफ़ी अच्छी बात है। एक तो आपकी प्रोफाइल का QR कोड, यानी कि जितना भी पेमेंट आपको किसी से रिसीव करना हो तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी पर्टिकुलर कोई एक ही चीज़ आप बेच रहे हैं, जैसे कि उसकी कीमत है 10 रुपये, तो आप पर्टिकुलर कीमत का भी QR कोड वहाँ से कस्टमाइज जनरेट कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इस एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए काफ़ी सारी दिक्कत आ सकती है, काफ़ी सारी एरर्स भी है, इतना स्मूथ परफॉर्मेंस नहीं है। और अभी मैंने नोटिस किया कि 1 दिन के अंदर ही दूसरा अपडेट आ गया, तो होप कि फ्यूचर में एप्लीकेशन में एरर ना आए और एक स्मूथली एक्सपीरियंस आपको मिले। और एट द लास्ट, अगर आप इस पर्टिकुलर UPI
पेमेंट मेथड का विदाउट इंटरनेट यूज करना चाहते हैं तो जो मैंने *99# वाली पूरी टेक्निक बताई है यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं, तो वहां पे भी अब UPI एड्रेस बेस्ड पेमेंट ऑप्शन का ऑप्शन आ गया है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि उस पर्टिकुलर वे पे हमें वीडियो करना चाहिए कि उस तरीके से आप कैसे ट्रांजेक्शन कर पाए, तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके बिल्कुल बताइएगा। और आप नरेंद्र मोदी जी या फिर जो कैशलेस कैंपेन चल रहा है उन्हें आप कितना सपोर्ट करते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आपके जो दोस्त है रिलेटिव्स है जो इसके बारे में नहीं जानते हैं तो जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी सोशल टाइमलाइन पर शेयर कीजिए, कहीं पे भी टैग कीजिए अपने दोस्तों को और इस पर्टिकुलर वे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो आज के लिए इतना ही और मैं कुछ आपको मिलता हूँ और भी नए ऐसे ही एक्साइटिंग ट्यूटोरियल और वीडियोस के साथ। आपका दिन शुभ रहे।